हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने तैयारियों में जुटे हुए होंगे। आप लोगों को पता है कि कल उत्तर प्रदेश में एक मीटिंग कंडक्ट कराई गई और उस मीटिंग में ये फैसला लिया गया कि फाइनल एक आयोग का गठन किया जाएगा और यही आयोग जो है कि उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती के लिए उत्तरदायी होगी। उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूँ तो जैसे PGT PRT की अगर मैं बात करूँ तो इनकी भी भर्तियाँ जो हैं कि इसी आयोग के माध्यम से कराई जाएगी। तो इसी संदर्भ में मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जैसे ही ये आयोग का गठन होगा उसके बाद से भर्तियों का सिलसिला जारी हो जाएगा। तो आप लोगों को जो है कि जैसे ही भर्तियाँ आएंगी वैसे ही आपका सुपर टेट कराया जाएगा और सुपर टेट से पहले जो है कि आप लोग जानते हैं कि टेट होता है एक एग्जाम, यानी कि यूपी टेट कराया जाएगा। यूपी टेट जो लड़के पास होते हैं वही छात्र जो है कि आपके सुपर टेट में बैठते हैं और सुपर टेट में जो छात्र पास होते हैं वही जो है कि फाइनल सिलेक्शन के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो हम मैं आज बात करने वाला हूं आप लोगों के लिए कि सुपर टेट का जो सिलेबस है आखिरकार क्या है, इससे पहले क्या हुआ करता था, कौन सा आयोग कराता था, तो उसी पे हम लोग आज चर्चा करेंगे और इसके पूरे सिलेबस को देखने का प्रयास करेंगे कि आखिर इसका सिलेबस क्या क्या है और इसमें जो मेरिट डिसाइड होती है वो किस तरीके से होती है, उसको हम मैथमेटिक्स तरीके से आपको बताने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे कि मेरिट कैसे जो है कि डिसाइड होती है। तो मैं यहां पर लिख रखा हूं आप लोगों के लिए कि सुपर टेट 2023 ये मामला इसलिए गर्म हो गया है क्योंकि बहुत ही जल्द जो है कि आपका या तो टेट कराया जाएगा और टेट के बाद से उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा पद खाली है, तुरंत ही आपकी भर्ती आनी है और आप लोग जानते हैं कि इलेक्शन भी जो है कि आपके नज़दीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द ही जो है कि ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी जब सुपर टेट आप दे रहे होंगे। तो देखिए, अब मैं बात करूं कि इसको कंडक्ट पहले जो कराती थी उसकी अगर मैं बात करूं तो UPBEV यानी कि उत्तर प्रदेश बेसिक एग्जामिनेशन बोर्ड जो है कि इसको कंडक्ट कराती थी, लेकिन जब ये आयोग बन जाएगा तो ये आयोग के माध्यम से जो है कि ये भर्ती कराई जाएगी। अब देखिए, इसकी अगर मैं बात करूं तो ये किसके लिए होती है, तो उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं, इसमें सहायक प्राथमिक अध्यापक की अगर मैं बात करूं, इसके लिए ये भर्ती होती है और इसका जो मोड होता है यानी कि परीक्षा का मोड जो होता है वो ऑफलाइन होता है। बहुत ही अच्छी बात है कि अभी भी ऑफलाइन पेपर हो रहे हैं, ठीक है। इसके बाद से अगर मैं बात करूँ रिटेन जो होता है, इसमें 150 क्वेश्चन आते हैं और ये 150 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो इसमें टाइम मिलता है वो मिलता है 2.5 घंटा करीब, आपका जो है कि 150 मिनट आपको मिलते हैं। एज की अगर मैं बात करूँ तो 21 से 40 जो है कि आपका एज रहता है। सिलेक्शन की अगर मैं बात करूं तो इसका जो सिलेक्शन होता है, अगर मैं बात करूं जो फाइनल सिलेक्शन होता है वो रिटेन का 60% अगर मैं बात करूं, यानी कि सुपर टेट का 60% जुड़ता है और एकेडमिक का आपका 40% जुड़ता है। और इस 40% की अगर मैं बात करूं तो 10th क्लास से आपका 10% जुड़ता है, 10+2 से आपका 10% जुड़ता है, ग्रेजुएशन से आपका 10% और आपने जो है कि टीचिंग प्रशिक्षण अगर कहीं से लिया है उसका प्रमाण पत्र है आपके पास तो उसका 10% आपका जुड़ता है। यहाँ पर टोटल आपका जो है कि 40% आपका यहाँ पे जुड़ता है, ये दोनों मिलाकर आपका 100% हो जाते हैं, ठीक है, तब आपकी मेरिट डिसाइड होती है। अभी मैं बताऊँगा कि ये मेरिट कैसे जुड़ती है। अब योग्यता की अगर मैं बात करूँ इसमें तो एक तो टीचिंग ट्रेनिंग आपके पास होनी चाहिए। अब इसमें जो है कि आपका BEd हो सकता है, BTC हो सकता है, DLED हो सकता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, अगर आपने जो है कि CTET या UPTET अगर आपने पास किया हुआ है तो आप इसके लिए उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि सुपर टेट की अगर मैं बात करूं, इसका मिनिमम क्राइटेरिया जो क्वालिफाई का है वो 97 है, आप लोगों को पता है, और 90 है, तो ये दोनों आपको ये मिनिमम है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको पास कर लेंगे तो आप जो है कि आपको नौकरी मिल जाएगी, आपको मैक्सिमम मार्क इसमें लाने होते हैं जिससे कि आपका ये जो 60% मेरिट है ना ये ज़्यादा से ज़्यादा बन सके। अगर मान लीजिए आप 90 नंबर लाते हैं और तब आपकी नंबर कितने जुड़ते हैं, और आप 120 नंबर लाते हैं तब आपके नंबर कितने जुड़ते हैं, उसको मैं अभी मैथमेटिकल तरीके से आपको बताने का पूरा पूरा प्रयास करूँगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में भी आएगा। अब देखिए, पहले इसके सिलेबस की अगर हम बात कर लें कि इसका सिलेबस क्या है, तो देखिए आप लोग जानते हैं भाषा की अगर मैं बात करूं, पहला पोर्शन इसके सिलेबस में आता है भाषा, और भाषा में हिंदी आती है, इंग्लिश और संस्कृत, यानी कि लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड की अगर मैं बात करूं, एक तो हिंदी आप लेंगे और या तो इंग्लिश या संस्कृत में से कोई आपको दोनों लेने पड़ते हैं, यानी कि अगर मैं बात करूँ तो हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, ठीक है। इसमें से हिंदी की अगर मैं बात करूं, हिस्सा जो है आपका 20% 20 क्वेश्चन का है यानी 20 नंबर का, और इंग्लिश का हिस्सा आपका 10 का है,
और संस्कृत का हिस्सा आपका 10 का है, यानी कि टोटल आपका 40 नंबर का ये आता है भाषा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। मैथ की अगर मैं बात करूँ तो मैथ यहाँ से 20 क्वेश्चन देखने को मिलता है, आप लोग जानते हैं 20 मार्क्स के होते हैं। साइंस की अगर मैं बात करूँ, विज्ञान की, तो यहाँ से 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, 10 मार्क्स के हैं। पर्यावरण की अगर मैं बात करूँ और सामाजिक अध्ययन यानी एनवायरमेंट और सोशल स्टडी की मैं बात करूँ तो यहाँ से 10 नंबर के आपके आते हैं। शिक्षण पद्धति की अगर मैं बात करूँ, टीचिंग मेथडोलॉजी की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ से आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं 10 मार्क्स के। बाल मनोविज्ञान की अगर मैं बात करूँ, चाइल्ड साइकोलॉजी की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ से 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। सामान्य ज्ञान की अगर मैं बात करूँ, यानी कि करेंट अफेयर मिलाकर आपका जो है कि 30 मार्क्स के आते हैं, यानी कि 30 क्वेश्चन आपका आता है, यानी कि सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल नॉलेज और करेंट अफेयर आपका मिला के 30 का है। तार्किक ज्ञान यानी कि लॉजिकल नॉलेज की अगर मैं बात करूं तो यहां से आपके 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं 5 मार्क्स के। सूचना प्रौद्योगिकी की अगर मैं बात करूं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं, तो यहां से 5 मार्क्स आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद से 10वां नंबर है जीवन कौशल की अगर मैं बात करूं, और प्रबंधन और योग्यता यानी कि लाइफ स्किल मैनेजमेंट एंड एटीट्यूड की अगर मैं बात करूं, तो यहां से 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। कुल मिला के आपके 150 क्वेश्चन हो जाते हैं 150 मार्क्स के, ठीक है। अब देखिए भाषा की अगर मैं बात करूं तो ये आप लोग को लिए अगर मैं बात करूं तो आदित्य पब्लिकेशन एक आता है, इसकी हिंदी की बुक काफ़ी अच्छी है, यहां से आप लोग कवर अप कर सकते हैं इसको। इंग्लिश आप लोग जो है कि थोड़ा सा जो है कि न्यूज़पेपर अगर पढ़ेंगे इंग्लिश का तो वहां से कुछ क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे। संस्कृत आप देखिए कहीं ना कहीं से कोई चैनल के माध्यम से पढ़ सकते हैं, ठीक है, तो आप यहां से कवर कर सकते हैं इनको। मैथ की मैं बात करूं तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप साइंस बैकग्राउंड से इंटर में भी रहे होंगे तो आप जो है कि मैथ आपका ज़्यादा आसान रहा होगा। साइंस की मैं बात करूं, साइंस भी आप आसानी से कवर अप कर लेंगे। पर्यावरण की अगर मैं बात करूं तो आपको जो है कि एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। क्या पढ़नी चाहिए? एनसीईआरटी 3 to 5th का आपका जो है कि एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। अगर एससीईआरटी आप लोग पढ़ते हैं तो वो भी आप लोग पढ़ सकते हैं। आप लोग जानते हैं कि यूपी टेट में एनसीईआरटी और एससीईआरटी का पोर्शन हमेशा से रहा है, बाद में सीटेट में जो एससीईआरटी के पोर्शन भी कुछ पूछे जाने लगे थे। इसके बाद से अगर मैं बात करूं, इम्पोर्टेंट जो है आपका एनसीईआरटी और एससीईआरटी का दोनों का हिस्सा अगर पढ़ते हैं आप तो ज़्यादा बेटर है आपके लिए, तो ये आप आसानी से कर लेंगे। शिक्षण टीचिंग मेथडोलॉजी, अगर आपने बीएड या बीटीसी या डीएलएड किया हुआ है तो आपको पता ही है कि जो है कि टीचिंग मेथडोलॉजी क्या होती है। और इसकी अगर मैं बात करूं तो ये सीडीपी का हिस्सा है, और सीडीपी जो है कि आप लोग यूट्यूब पे जाएंगे, बहुत ज़्यादा क्लासेस हैं, सब कोई आजकल पढ़ाने लगा है, तो आप लोग जो है कि सीडीपी की क्लास वहाँ से ले सकते हैं। सामान्य ज्ञान की अगर मैं बात करूँ तो किसी का भी रेगुलर आप लोग वीडियो 6 महीने का देख लीजिए, जो है कि आपका ये कवर अप हो जाएगा, ठीक है। तार्किक ज्ञान लॉजिकल नॉलेज की अगर मैं बात करूं तो ये भी आप आसानी से कर ले जाएंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो यहां से आप लोग इसरो को आप लोग पढ़ लीजिए, डीआरडीओ को पढ़ लीजिए, ठीक है, यहां से ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। जीवन कौशल की मैं बात करूं, प्रबंधन और योग्यता की मैं बात करूं, तो ये भी आपका जो है कि इसी से जुड़ा हुआ है बीएड से, तो आप लोग इसको भी आसानी से कवर अप कर लेंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। अब देखिए इसका जो जुड़ने का मेथड है उसकी अगर मैं बात करूं कि ये कैसे जुड़ता है, इसका मेरिट कैसे डिसाइड होता है, तो वो देखिए आप लोग। अगर मान लीजिए कि सुपर टेट में आपका आया 120 मार्क्स, ठीक है, अब इस 120 की अगर मैं बात करूं तो ये आपने कितने में से लाया है भाई, 150 में से। अब इसका परसेंटाइल हम बना लेंगे तो 150 × 100, यानी ये कट गया है, यानी कि 5 3 जा और 5 2 जा, यानी कि 2 40/3, यानी कि 3 8 जा, यानी कि इस व्यक्ति का बना कि 80% ऑफ मार्किंग जो है कि इस एग्जाम में सुपर टेट में किया, ठीक है। अब इस एग्जाम में वो 80% किया, इसका मतलब ये है कि उसके मार्क्स कितने जुड़ेंगे, 80 का 60 आप निकाल लीजिए, ठीक है, तो ये जो है कि आपका 48 मार्क्स उसका जो है कि सुपर टेट का जुड़ेगा, ठीक है, उसके फाइनल मेरिट में, किसमें, फाइनल मेरिट में। अब देखिए अगर मैं कहूँ आपका कि आप 10th क्लास में जो है 60% है आपका, इसका मतलब है इसका अगर 10% निकालेंगे तो 6 नंबर आपका जुड़ेगा। 10+2 की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर आपका मान लेते हैं कि आपका 65% है, ठीक है, तो ये आपका 6.5 नंबर जुड़ेगा इसका,
और ग्रेजुएशन की अगर मान लेते हैं हम आपका कि आप जो है 57% लाए हैं, इसका मतलब ये है कि 5.7 नंबर आपका जुड़ेगा। और बीएड में अगर मैं मान लूँ कि आपका बीएड बीएड बीटीसी या डीएलएड की अगर मैं मान लूँ कि 75% है, कितना है 75% है, इसका मतलब है 7.5 नंबर आपका जुड़ेगा। अब देखिए इसको जोड़ देते हैं, अब जोड़ेंगे तो यहाँ पर 5, 5, 10, 7, 17 और 7, 1, ठीक है, 6, 6, 12, 5, 17, 17 और 7, 17, 3, 20 और 24, 1, 25, 25.7। अब आपका जो फाइनल मेरिट में जुड़ेगा ना, इसका एकेडमिक की अगर मैं बात करूँ तो ये एकेडमिक का 40% जुड़ता है, तो ये 40% हो गया आपका, यानी कि ये 48 प्लस आपका 25.7, यानी कि अगर मैं बात करूँ इनको जोड़ दूँ मैं तो 0.7 और 8, 5, 13 और 3 और 4, 2, 6, 1, 7, यानी कि 73.77 आपका बनता है नंबर। यही आपको जो है कि जॉब दिलाएगी, यही मार्किंग आपको जॉब दिलाएगी, यानी कि ये फाइनल मेरिट आपका यही हुआ। और इसी फाइनल मेरिट के आधार पर जो है कि आपका चयन होगा, और ये चयन डिपेंड करता है कि भर्ती कितनी है। अगर भर्ती मान लीजिए कि जैसे 69,000, 70,000 के आसपास आती है, तो आपकी मेरिट जो है कि 60 और 70 के बीच का ही रहेगा, 70 के ऊपर बहुत कम चांसेस है कि बढ़ेगा। अगर आप जो है कि मार्किंग करते हैं 120 नंबर, अगर सीटेट में अगर एकेडमिक आपका अच्छा नहीं है, तो अगर आपका एकेडमिक अच्छा है, अगर मान लीजिए आपका एकेडमिक यहाँ पर 30 बन जाता है, और 30 बन जाता है, तो आप तो ऐसे ही जो है कि इसमें अगर सीटेट में सुपर टेट में अगर कम नंबर लाते हैं तो आप ऐसे ही हो जाएंगे। मान लीजिए कि आप 40 नंबर लाए और ये 30 नंबर, तो भी आपका जो है 70 नंबर बन रहा है, तो आप फाइनल सेलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन आपको फिर भी प्रयास करना पड़ेगा कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा मार्किंग लाएंगे, तभी जो है कि आप बिल्कुल सेफ रहेंगे। अगर आप सेफ रहना चाहते हैं तो आपको सुपर टेट में मार्किंग ज़्यादा करनी पड़ेगी, अदरवाइज जो है कि आप दुविधा में फंसे रहेंगे, तो इस दुविधा को आपको दूर करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और मैं जल्द आप लोगों के लिए टेट का भी जो है कि क्लासेस दूंगा, उसके अलावा सुपर टेट में कुछ पोर्शन है जिसको मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, तो जल्द ही आप लोगों को ये क्लासेस उपलब्ध हो जाएंगी और मिलने लगेंगी। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे।